युवाओं को रोजगार मिला है, उतना रोजगार कभी नहीं मिला था। सांसद जी के ऊपर मुद्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अपने आप को वो जान चुके हैं, अपने पूर्वजों को, कि वो इसी मिट्टी के वंश के लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुझे जुनूनों में, आपके साथ संजीव। मैं फिलहाल में मौजूद हूँ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ पे हाल ही में अभी धनखड़ जी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनका अपमान किया गया। और एक दूसरी ओर लोकतंत्र के मंदिर में बार बार विपक्ष का इस तरीके से करारा जवाब आना और लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करना और सीधा उपराष्ट्रपति जी के ऊपर सवाल करना, उनका मजाकिया वीडियो रिकॉर्ड करना, कहां तक शोभा देता है। आज मैं यहां पे काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके समर्थन में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके लिए? एक सम्मान में, लोकतंत्र के मंदिर के सम्मान में। यहाँ से बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पहाड़गंज के, अब पहाड़गंज के मंडल अध्यक्ष। नमस्कार जी, कैसे? बहुत बढ़िया। बात करें, क्या एक सांसद राहुल गांधी जी को शोभा देता है इस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर के अंदर उस राष्ट्रपति जी का अपमान करना? ये तो इन लोगों की नियति बन गई है, इनके रोज रोज का काम बन गया है। इन्होंने रोज ही, ये जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से इन लोगों का एक नियम बन गया है, किसी भी तरह से संसद को और सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अपमानित किया जाए। उसके लिए ये किसी भी तरह की अभद्र भाषा का उपयोग कर सकते हैं, करते रहे हैं। इनकी भाषा इतनी अपमानजनक होती है, आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी। अब तो इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, ये तो भारत की संसद का अपमान है। भारत की इतना बड़ा अपमान, भारतीय लोकतंत्र को, भारत की जनता को ये सहना नहीं चाहिए। और इस जो कांग्रेस की सरकार है, इसको तो सरकार को ही निरस्त कर देना चाहिए। इसको तो कि राजनीतिक पार्टी जो है, ये इस तरह की राजनीतिक पार्टी को किसी तरह से भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सत्ता क्या, अपोजिशन में रहने का अधिकार नहीं है इनको। बात करें भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति का संसद के अंदर अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का रुख तो साफ है, इससे जो ये हमारा प्रदर्शन चल रहा है आज, ये उसी रुख का एक रूप है। जो हम बता रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरी देश की जनता इस बात से बहुत ही दुखी है कि किस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति को इस तरह से अपमानित किया गया। इस तरह की नाटक, युवाओं को रोजगार मिला है, उतना रोजगार कभी नहीं मिला था, किंतु इनका तो बोलने की आदत है तो ये बोलेंगे ही, क्योंकि इनकी बुराई करना इनका कर धर्म बन चुका है। अध्यक्ष जी का कहना है बुराई करना इनका धर्म बन चुका है, इसी को मैं देख सकता हूँ मंच से लेके यहाँ तक, जहाँ जहाँ कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ देशवासी हैं, जहाँ जहाँ जनता है, वहाँ पे सांसद जी के ऊपर मुद्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये आक्रोश देखने वाला एक विषय है, जिस तरीके से यहाँ पे हाय हाय के नारे लग रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे मोदी जी राशन दे रहे हैं, क्या 4 किलो राशन पूरी जनता के लिए इनाफ है? सभी जनता के लिए, जितनी जिसको भी जरूरत है, जो ये कहता है एक व्यक्ति के लिए 4 किलो राशन इनाफ है, ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, एक व्यक्ति के लिए भाई साहब, पेट की आग को बुझाने के लिए 2 वक्त की रोटी काफ़ी होती है, और यहाँ तो 4 किलो से ज़्यादा आपको राशन दिया जाता है और देश की 80 करोड़ जनता को दिया जाता है, तो ये काफ़ी नहीं, बहुत काफ़ी है। आप एक युवा हैं, युवा से एक सवाल बनता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं युवाओं का भी एक तंज है कि मोदी सरकार में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की लाइन में सरकारी जॉब्स कम कर दी गई हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? आपने एक इस युवा से गलत सवाल पूछ दिया। अच्छा, कोरोना काल के अंदर 21 साल की मेरी बहन, मैं बनिए समाज से आता हूँ, जनरल कैटेगरी का हूँ, और 21 साल के अंदर मेरी बहन यूपी पुलिस के अंदर भर्ती होती है, अपनी मेहनत से वो भर्ती होती है। तो भाई साहब, जो रोजगार है वो मेहनत कश के लिए है, जो रोजगार है, जो मेहनत कश है, उसके लिए रेवड़ियाँ नहीं है, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटी जाएंगी, जो मेहनत कश होगा उसको। यहीं पे एक सवाल था, अभी कुछ समय पहले यहीं पे जो रेल के जो विधायक रेलवे की तैयारी करते हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, क्या उनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, ज्वाइनिंग नहीं ली जा रही? इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। कई बार पेपर लीक होता है, कई बार जो आपका रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा। टेक्निकल फॉल्ट जांच का विषय है, पेपर लीक जांच का विषय है, लेकिन ये सरकार यही है जो देश का मान सम्मान बढ़ा रही है और युवाओं को रोजगार दे रही है।
चलिए आपसे लास्ट सवाल ये बनता है, क्योंकि हम अपने मुद्दे से भटक गए हैं। मुद्दा हमारा यही है कि लोकतंत्र के मंदिर में हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान, क्या कहेगा इस बार युवा? मैं ही नहीं, देश का युवा कह रहा है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया गया, देश की संसद का मजाक बनाया गया, पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि को धूमिल करने का कार्य किया गया, इसको लेकर कांग्रेस सरकार हो या विपक्षी हो, ये माफ करने योग्य नहीं है। ये केवल मजाक भाई, ये केवल मजाक उपराष्ट्रपति जी का नहीं है, उस जाट कम्युनिटी का भी ये मजाक बनाया गया जिसने हरियाणा में कांग्रेस को धूल चटाई। ये कहीं ना कहीं इनके मन में खींच है, क्योंकि कांग्रेस अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं खींच अपनी निकाल रही है। युवा का कहना है कांग्रेस अपनी हार का जो निकाल रही है अपनी हार। देखो, अपमान की जो प्रकाष्ठा है कांग्रेस ने उसे भी लांग दिया है। एक कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं होता कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, एक आदि समाज में आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता एक जाट समाज का, किसान समाज का व्यक्ति उपराष्ट्रपति कैसे बन गया, और उसके ऊपर से वो 3 स्टेट हार गए हैं। तो अपनी खींच, अपनी जो मन की टीस है वो उतारने के लिए राहुल गांधी ने ना सिर्फ बैनर्जी की वीडियो बनाई, बल्कि को एक्टर बनके उनका बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे। वो वीडियो नहीं बना रहे थे खाली, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखना। वो को एक्टर बनके उनको टीज कर रहे थे, उनको बार बार कुछ ना कुछ मसाला दे रहे थे कि इसमें और कुछ बोले। और एक बात बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस इस हालत में पहुँच गई है। अभी तो वो चार, ये जो सोची समझी प्लानिंग थी, बिल्कुल सोची समझी प्लानिंग थी। कांग्रेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि ओबीसी समाज का, पिछड़े समाज का, जाट समाज का, किसान समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति संवैधानिक पदों पे कैसे पहुंच गया। उन्हें तो यही लगता था ये देश उनका है, ये देश में उन्हीं की हुकूमत चलेगी, गांधी परिवार ही चलाएगा। कांग्रेस की ये हरकत उसके संस्कार को प्रदर्शित करती है। राहुल गांधी संसद के अंदर बैठ के आंख मारता है, और राहुल गांधी की अम्मा जो कि इटली से आती है, वो क्या व्यापार और क्या काम किया करती थी, किसी से कुछ छुपा नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं वो तो मिमिक्री कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। अरे एक्टिंग अपनी माता जी का एक बार करके दिखाइए ना कि बार बारा के अंदर या बारों के अंदर कैसी हरकतें की जाती। तो ये तो इनके संस्कार में है, जो ये सीधे संस्कारों पे बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। भारतीय सभ्यता संस्कार में पली बड़ी है, कांग्रेस कभी इस मिट्टी के संस्कार को समझ नहीं पाई। और जिस तरह से जाट, आप पीछे देखेंगे तो खाप पंचायत भी बैठी है, जाटों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है कि एक उपराष्ट्रपति कोई अकेला व्यक्ति नहीं, एक समाज का भी प्रदर्शन वहाँ पे वो कर रहे हैं, वो देश की संपत्ति है। और कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जिस तरह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई, ये कहीं ना कहीं जाटों को भी लेके एक तंज मार रहे हैं, और जाट अभी झुकने वाला नहीं है, 24 में जमानत से जब्त करवाएगा इनकी। चलिए आपसे एक सवाल, आपने जातों के ऊपर बात की, ओबीसी समाज के ऊपर बात की, यहीं पे विपक्ष एक आरोप लगाता है कि यहाँ पे धर्म की राजनीति चलती है बीजेपी में, और एक जाति की राजनीति चलती है, ऐसे ब्राह्मण और ऊपरी जो जाति के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। हम धन्य हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात करती है, AIM ओवैसी जब धर्म की बात करता है तो आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते, कांग्रेस जब धर्म की बात करती है, दंगों की बात करती है, तब आप सवाल क्यों नहीं पूछते। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी, देश की पार्टी, विश्व की पार्टी जो हिंदू हित की बात करती है, और हम जाति का भी विषय, जाति का भी विषय, हम गर्व महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का बात करती है। जाति के विषय भी है यहाँ पे, जाति का आरोप भी लगता है कि यहाँ पे जातियों को भी बढ़ावा बीजेपी ही देती है। जातियों को नहीं, नहीं, यदि कोई जाति पिछड़ी है उसे ऊपर उठाया जा रहा है तो क्या गलत है, क्या गलत है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं बुराड़ी विधानसभा से आता हूँ, मैं जिस कॉलोनी के अंदर रहता हूँ वो त्यागियों की कॉलोनी है, मेरे सामने वाली कॉलोनी वाल्मीकि समाज की कॉलोनी है। एक वाल्मीकि समाज के भाई का मैंने अपने प्रधानमंत्री कोष से 8 लाख का उसका ऑपरेशन फ्री में मैंने करवाया, तो क्या मैंने कोई गलती की? जात पात सोचने की बात है, हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, और कांग्रेस और विपक्षी नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये धूमिल जो विचारधारा फैलाई जा रही है बीजेपी के नाम पे, ये धूमिल विचारधारा है, ये कुछ नहीं करने वाले। इनकी 24 में इतनी दुर्दशा होगी, इतनी बुरी हरकत इनकी होगी कांग्रेसियों की या विपक्षी पार्टियों की, ये केजरीवाल की, ये कहीं के नहीं रहेंगे। देश जान चुका है, देश समझ चुका है। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, 2021-20 के अंदर मेरी बहन जो कि 21 वर्ष की है, मैं बनिया हूँ,
और जनरल कैटेगरी से आता हूँ। 21 में जब कोरोना काल का आरोप था पूरे यहाँ पे, तो यूपी पुलिस में हमारी बहन भर्ती होती है, मेहनत से होती है। हमें रेवड़ी आनी चाहिए, हमें छोटी जात या बड़ी जात के नाम पर हमें कोई कोटा नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत से अपना रोजगार चाहिए और हमें नौकरियाँ मिल रही हैं। कांग्रेस का हर्ष ये हो गया कि 400 से 40 में तो आ गए हैं, अब 40 से वो चार भी नहीं रहेंगे। जिस तरह का कांग्रेस ने ये कर्तव्य किया है, जिस तरह से कुकृत्य कर रहे हैं, संसद की मर्यादा का लगातार भंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 400 से 40 में तो आ गए हैं, अब 40 से चार भी नहीं रहेंगे। राहुल गांधी अमेठी से तो हार ही आ रहे थे, इस बार वायनाड जाने के भी लायक नहीं रहेंगे। 400 से 40 पे आ गए हैं और चाय आने में समय नहीं लगेगा, ऐसा इनका कहना। राहुल गांधी अभी 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 हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, कहते ना हर विषय पे जो एक तथ्यात्मक दृष्टि वो बुजुर्गों की होती है, बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार अंकल, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को 40 साल तो राजनीति में हो गए, 40 हाँ। इनकी मानसिकता शुरू से ही खराब रही है। इन्होंने किसी को जो गरीब है, जो दवा कुछ ला, जो पिछड़ा वर्ग है या जो दलित वर्ग है, ऐसी इसका शोषण किया है और इनका अपमान करने की इनकी आदत पड़ गई है। ये सामंतवादी है, इसीलिए ये इस देश से जा रहे हैं। अब ये रुकने वाले नहीं है, ये जीरो हो जाएंगे और केवल मोदी गारंटी चलेगी, मोदी मतलब मोदी गारंटी चलेगी। भाइयों बड़े उतावलू हो रहे हैं बातचीत करने के लिए और बहुत सारी मन में गानना है। बाबा सीनियर उपाध्यक्ष हैं, मैं बुराड़ी के जड़ौदा मंडल का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, मैं अपने मंडल का युवा का आवाज़ हूँ। आपका सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। अभी आज का ही एक न्यूज़ है, मोदी ने अपना वक्तव्य कहा है कि अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित है, दुनिया के किसी कोने में मुसल्ले भाई मुसलमान भाई कहीं सुरक्षित नहीं है जितना भारत के अंदर सुरक्षित है। सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, उनको सबसे ज़्यादा शरण, सबसे ज़्यादा मुआवजे की रोटी, सबसे ज़्यादा उनको रियायत इस मुल्क में मिलता है। तो ये कांग्रेसियों की चाल है, ये अन्य पार्टियों की चाल है कि इन मौलाना और मौलवियों को कुछ नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा मौलाना और मौलवियों को यहाँ से मिल रहा है, इस हिंद भूमि से मिल रहा है, इस माँ की माटी से मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, भैया ने ये तथ्य प्रूव किया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में सबसे ज़्यादा वो मिल रहा है, उनके रियायत भी मिल रही है, खाने को भी यहाँ पे मिल रहा है और रहने की व्यवस्था जो पूरे विश्व में नहीं है अल्पसंख्यकों को, वो भारत में है। और जिस तरीके से ये संसद में गतिविधि को देखते हुए आप मंच से लेके यहाँ तक पूरा आक्रोश दिखाई दे रहा है जनता। आखिर मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा टोपी लगा के भगवा पटका डाल के आज हमारे साथ खड़े हैं, वो यूं ही नहीं खड़े हैं, वो जान चुके हैं इस मिट्टी को, वो जान चुके हैं अपने आप को, वो जान चुके हैं अपने पूर्वजों को कि वो इसी मिट्टी के वंश के लोग हैं, वो इसी मिट्टी के लोग हैं, इसलिए आज वो हमारे साथ खड़े हैं। तो जिस तरीके से मन से लेके यहाँ तक सिर्फ आक्रोश की भावनाएं दिखाई दे रही हैं, किसके लिए? लोकतंत्र के मंदिर के सम्मान के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के सम्मान के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ मौजूद है, साथ ही दिल्ली के पूरे देशवासी मौजूद, दिल्ली के वासी यहाँ मौजूद हैं और देश के अन्य अन्य राज्यों से भी कुछ वासी यहाँ पे मौजूद हैं। किसके लिए? हमारे अपने सम्मान के लिए, उपराष्ट्रपति के सम्मान के लिए, संसद के सम्मान के लिए। अब आगे देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहने वाला है। तब तक के लिए बने रहें तुझे जुनून के साथ।